कि नयार घाटी में नयार फेस्टिवल का विधिवत समापन हो गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से जिले में आयोजित हुए नयार फेस्टिवल में सूबे के पर्यटन मंत्री नदारद दिखाई दिए। ये कोई पहला मौका नहीं जब पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज अपने ही विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर नहीं आए हैं। मुख्यमंत्री से सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन सामूहिक प्रयास से आयोजित किए जाते हैं, जबकि अब स्थानीय जनता भी पर्यटन मंत्री के इस आयोजन में शामिल न होने पर सवाल खड़े कर रही है। नहीं, हम लोगों का सबका सामूहिक प्रयास है कि ये क्षेत्र हमारा अच्छा हो, उसमें सभी की भूमिका है। पूरी सरकार हमारी एकमत पूरा सब कामों में लगी हुई है और सभी अपने अपने कामों के दृष्टि से पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। जिस तरह से नयार घाटी महोत्सव 2024 हुआ, उसमें कहीं ना कहीं पर्यटन मंत्री नदारद दिखे, तो इससे मैसेज तो यही जाता है कि उनके क्षेत्र में पर्यटन की गतिविधियां हो रही हैं और पर्यटन मंत्री खुद नदारद हैं, तो इससे तो सरकार की मनसा पे सवाल उठता है कि वो अपने मिनिस्टरों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ इनके बीच कोलैबोरेशन नहीं है। गढ़वाल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार प्रयास करती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते दो दिन पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नयार महोत्सव का शुभारंभ भी किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत व स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी और रेणु बिष्ट शामिल रही, लेकिन कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज इस कार्यक्रम से नदारद नजर आए। जब मीडिया कर्मियों ने उनसे ये सवाल किया तो उन्होंने हंसकर जवाब देते हुए कहा कि ये सब सामूहिक प्रयास हैं और उत्तराखंड सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आगे भी इसी तरह कार्य करती रहेगी। सोचने वाला विषय जरूर है कि मंत्री जो कैबिनेट मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री हैं सतपाल महाराज, उन पर ये बड़ी जिम्मेदारी है कि उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जाएं, लेकिन वो ऐसे प्रोग्रामों से खुद ही नदारद नजर आ रहे हैं। और गढ़वाल से न्यूज़ स्टेट के लिए मैं कुलदीप बिष्ट। पहाड़ों में जंगली जानवरों के आतंक से लोगों में दहशत है। बागेश्वर में जिला मुख्यालय के